सभी भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। मैं आपका दोस्त और होस्ट ज़ेनो स्पार्टन वाईटी आप लोगों के लिए एक और नया गेम प्ले नहीं, सॉरी, मैं अपने उसी रोल में वापस आते हुए, बल्कि मैं बोलना चाहता हूँ गाइस, हमारा फर्स्ट वीडियो लेके आते हुए जो है हाउ कैन जावा प्लस मोबाइल प्लेयर कैन प्ले टुगेदर माइनक्राफ्ट गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा चैट पे पूछा गया सवाल है, कैसे हम लोग माइनक्राफ्ट जावा वाले और मोबाइल वाले साथ में खेल सकते हैं। तो गाइज बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी स्टेप है, और मैं जिन जिन लोगों के पास सर्वर है तो मैं उन स्ट्रीमर्स को भी बोलना चाहूँगा कि वो भी ये जो मैं स्टेप्स बताने लगा हूँ ईजिली फॉलो करके वो भी एक सर्वर ऐसा बना सकते हैं जिससे कि उनके जो व्यूअर्स हैं मोबाइल वाले वो भी उनके साथ खेल सकें और मज़ा ले सकें माइनक्राफ्ट गेम। माइनक्राफ्ट गेम अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही बेहतरीन गेम है गाइस। ऑलराइट, तो चलो गाइस, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो विद अ वेरी गुड नोट गाइस। ऑलराइट गाइस, तो हमारा सर्वर जो है एकदम ऐसा, हमारा सर्वर ऐसा है, ठीक है गाइस, ऐसा दिखता है जहाँ पे हम स्टार्ट और स्टॉप करते हैं गाइस। इसके अंदर गाइज हमने कुछ नहीं करना है, सीधा हमें ऑप्शंस दिखेंगे हमारे लेफ्ट में। ओके, हमने जाना है प्लगइन्स में। यहाँ पे प्लगइन्स में जाने के बाद हमें जो प्लगइन ढूंढना है उस प्लगइन का नाम है गीजर एमसी। तो हम टाइप करेंगे GYSER, ठीक है गाइज, हमने गीजर एमसी टाइप किया और सर्च पे क्लिक कर दिया। ठीक है गाइस, हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, एक है ग्रीन हाउस और दूसरा है गीजर एमसी। ठीक है गाइस, हम लोगों ने कुछ नहीं करना गाइस, हमने ग्रीन हाउस पे नहीं जाना है, हमने गीजर एमसी पे जाना है। तो गीजर एमसी पे हमने क्लिक कर देना है। ऑलराइट, नीचे गाइस एक डाउनलोड जैसा बटन आएगा, हम लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। ग्रीन कलर का डाउनलोड का बटन आएगा, उस पर हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक कर दिया एक इंजन सा घूमने लगेगा गाइस, और इंजन सा घूमने लगेगा, इसका मतलब ये है कि गाइस ये हमारे प्लगइन ऐड हो रहा है और ऐड हो चुका है जब चेक मार्क आपको दिख जाए। उसके बाद गाइस अगर आपने चेक करना है कि ये जो प्लगइन है ये ऐड हो चुका है कि नहीं, तो उसके लिए आपको सिंपल ऑप्शन है, प्लगइन के नीचे ऑप्शन है जिसको कहते हैं फाइल्स, आपको उस फाइल्स पे क्लिक करना है। ऐसे करके आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, वहाँ पे आपको प्लगइन्स का ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कौन से प्लगइन्स ऐड इन है, तो आपको प्लगइन्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने प्लगइन्स पे क्लिक कर दिया गाइज, आपको दो फाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, गीजर और गीजर जार, ऐसे करके दो फाइल्स ही मिल। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास हमने जो ये प्लगइन्स डाले थे वो ईजिली प्लगइन्स डल चुके हैं आराम से। नाउ गाइज आई विल टेल यू द प्रोसेस that how to install this on your cell phone. Okay guys, मैं जरा अपना cell phone ले आऊँ अपने पास में। तो guys ये मेरा cell phone आ चुका है मेरे पास में, और मैंने इसमें play का button दबा दिया। play का button दबाने के पास मेरे पास एक ऐसा interface आ गया, ठीक है guys। उसके बाद मैं नीचे गया, यहाँ पे मैंने add server किया। add server करने के बाद में मैंने server name के ऊपर अपना नाम डाला जो है Spartan, ठीक है गाइस। और जो सर्वर एड्रेस है गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लिखा है मैंने इसमें, हमने सर्वर नेम में लिखना है गीजर कनेक्ट .gku। तो गाइस सर्वर नेम है हमारा गीजर कनेक्ट .gku, और जो हमारा पोर्ट होगा वो होगा 17193। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके ऊपर, अगर आपको मोबाइल वालों बंदों में खेलना है तो आप केवल 1.16.101 वर्जन पे ही खेल सको, और उसके बाद गाइस हम लोगों ने इसको नेक्स्ट दबा दिया।
इसमें हमें इसके बाद हमारे पास जब लोडिंग का ऑप्शन आ जाता है तो एक स्क्रीन खुल जाती है, उसके अंदर गाइस हमने बिल्कुल बॉटम पे जाना है और एडिट सर्वर पे क्लिक करना है, और उसके बाद हमने ऐड सर्वर पे क्लिक करना है। ऐड सर्वर पे क्लिक करके हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा गाइस, ठीक है, एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि हमारे सर्वर का नाम पूछेगा, जावा सर्वर का नाम पूछेगा, जो कि मैंने लिखा है फुल पावर 24 आवर्स, फुल पावर 24 आवर्स का हुआ है, तो वो हमने ऐड कर देना है। और गाइस जो पोर्ट है वो पोर्ट नंबर हमें यहां से मिल जाएगा, बहुत इजी है गाइस, पोर्ट नंबर हमें गाइस यहां से मिल जाता है, यहाँ ये वाला जो है यहां से हमें पोर्ट नंबर मिल जाता है, देखो ये पोर्ट नंबर है, ये फुल पावर 24 आवर आईपी है, ये पोर्ट नंबर आपको यहां से मिल जाता है, इसको कैंसिल कर दो। पोर्ट नंबर मिलने के बाद वो पोर्ट नंबर आप एंटर कर दीजिए, पोर्ट नंबर एंटर करने के बाद आप सर्च पे उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, और आपका ये सर्वर, आप मान लो आप हमारे सर्वर पे आ जाओगे, तो ये सर्वर हमारा गाइस ऐसे लगता है, देखे गाइस ये सर्वर जो है हमारा ऐसे लगता है। जैसे गाइस आप सर्वर पे आ जाते हो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ऊपर एक चैट जैसा ऑप्शन बना है उस पर आपने क्लिक करना है, उस पर आपने केवल बस लिखना है /login और अपना 4 डिजिट का कोड 2 बारी लिखना है, उसके बाद में गाइज बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप लोग गेम में एंटर हो जाओगे। गेम में एंटर होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है गाइज, देखो मैं भी आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी ऑलरेडी एक आईडी इसके अंदर लॉगिन है जो कि जावा एडिशन है गाइज, उसके पास ही मैं जा रहा हूँ, देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर मेरा एक ऑलरेडी Xenospartan 03 ऊपर है गाइज, मैंने बस गेट खोला और मेरे को सामने टस्कन भाई दिख गए। तो गाइज ऐसे ही आपको इसको इंस्टॉल करना है और ऐसे ही आपको आगे जाना है गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यार गाइज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को। अभी के लिए गाइज थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही, एंड आई नो दैट यार आप लोगों का दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो मेरे भाई लोग सभी के सभी लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और सभी के सभी भाई इस वीडियो का मनोरंजन लेंगे। थैंक यू सो मच यार एवरीबॉडी फॉर कमिंग चेक आउट दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ब्लेस्ड डे एवरीवन, बाय बाय यार।